खालिस्तान समर्थक अमृतपाल हजू पुलिस पकड़ती दूर है, परंतु पुलिस बोलावेली तबाही 11 दिवस बाद पहलो वीडियो संदेश सामे आव्यो छे, जेमां ते एक शाल लपेटेलो जोवा मळे छे। ते पोतानी धरपकड़ ऊपरवाळाना हाथमां होवानुं कहेतो जोवा मळ्यो। अमृतपाले वीडियो संदेश में कहते जोवा मळे छे के सरकार मजबूर लोकोने जेल में मोकले छे, तंत्र अमारा साथीओने असम मोकल्या छे, लोको पर एनएसए लागू करायो छे, पुलिसे बळजबरी अने जुल्म कर्यो छे, तेनी सामे अवाज उठाववो अमारो हक छे। मेरे होर संगियां साथियों असाम भेजा गया, होरना फड़ के जेलों च तुनिया गया। सो इस करके इस तरह जुल्म है, ये सानू पता तो है भी जिस मार्ग से असं तुरे हाँ उत्थे सारा कुछ सानू सहना पैना, पर ये खिलाफ आवाज़ चुकनी साडा कौमी फर्ज है। सो मैं सारी सिख कौम नू देशां विदेशां दे विच वसदियां नू अपील करदा है कि जिहड़ा सरबत खालसा विसाखी ते होना चाहिए, जथेदार साहब इस ते गौर करन। खालिस्तान समर्थक अने वारिस पंजाब दे संगठन प्रमुख अमृतपाल पर गाळियो कसा तो जोवा मळी रह्यो छे। हाल ते ज्यां त्यां छुपतो फरे छे, जो के हवे एवी आशंका सेवाई रही छे के ते अमृतसरना गोल्डन टेम्पल मां पहोंची आत्मसमर्पण करी शके छे। जेथी पंजाब पोलीस एलर्ट बनी छे, गोल्डन टेम्पल आसपास सुरक्षा व्यवस्था वधारी देवामां आवी छे। गोल्डन टेम्पल नी पासे सैकड़ों पुलिसकर्मीओ तैनात करी देवामां आव्या छे, जो के पोलीसे आत्मसमर्पण नी कोई ज वात न होवानुं कह्युं छे। नहीं, मेरे साथ उनका कोई ऐसा रास्ता नहीं है, ना उनकी तरफ से ऐसी कोई मांग हमारे सामने पुटअप की गई है, लेकिन उनकी मांग के बिना ही मैं इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा। ये एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिस की, जो कानून के तहत अमल में लाई जाती है वही होगा, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार भेदभाव या वितकरा नहीं किया जाएगा। केन्द्रीय चूंटणी पंच द्वारा बुधवार कर्नाटक विधानसभा की चूंटणी की तारीख जाहिर करवामां आवी छे। कर्नाटक में एक तबक्का में मतदान योजवामां आवशे। कर्नाटक में 10मी मे रोज मतदान थशे अने 13मी मे रोज मतगणतरी करवामां आवशे। मध्यप्रदेश में आदि आचार संहिता लागू करवामां आवी छे। कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 बैठकों छे, प्रदेश में कुल 5.22 करोड़ मतदारों छे। गजेट नोटिफिकेशन वुड बी इश्यूड ऑन 13th ऑफ अप्रैल। Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. कर्नाटक विधानसभा की चूंटी मुद्दे केन्द्रीय चूंटी पंचे बुधवार जुव्यू कि 9.17 लाख नवा मतदारों सामिल थे। 1 एप्रिल 2023 सुधी में जो व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष की हे मतदान कर सकते। चूंटी पंचे कहूं कि 80 उमर घरे मतदान कर सकते। राज्य में कुल 5.22 करोड़ मतदारों 24 मे पहला कर्नाटक विधानसभा की चूंटी प्रक्रिया पूरी कर। चूंटी पंचे कहूं कि चूंटी निष्पक्ष रीते योजा अमरी जवाबदारी है। Karnataka Legislative Assembly is till 24th of May 2023. So we have to complete the entire process before that. There are 224 assembly constituencies, of which 36 are reserved for the SCs and 15 are reserved for the STs. Electors in the states are 5.21 crores, of which male electors are 2.62 and female electors are around 2.59, almost equal. राहुल गांधी कर्नाटक विधानसभा चूंटणीनो प्रचार कर्नाटकना कोलारथी शुरू करशे। आ कोलार एज स्थल छे के ज्यां वर्ष 2019 लोकसभानी चूंटणी प्रचार दरमियान तेमणे मोदी अटक विशे विवादास्पद निवेदन आप्युं हतुं अने तेना संदर्भमां मानहानिना केसमां सूरतनी कोर्टे तेमणे 2 वर्षनी सजा फटकारी हती। राहुल गांधीने सजा थता तेमणे लोकसभामांथी गैरलायक ठेरवामां आव्या हता। राहुल गांधी 5 एप्रिलना रोज जाहेरसभाने संबोधशे। कर्नाटक विधानसभानी चूंटणी माटे 10मी मेना रोज मतदान करवामां आवशे अने 13मी मेना रोज मतगणतरी करवामां आवशे। चालू वर्षे जान्युआरी महीनाथी अत्यार सुधीमां वडाप्रधान मोदी कर्नाटकनी 8 वार मुलाकात लई चुक्या छे। केन्द्रीय चूंटणी पंच द्वारा कर्नाटक विधानसभानी चूंटणीनी तारीख जाहेर करवामां आवी छे, त्यारे मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई चूंटणीनी तैयारी मुद्दे वातचीत करता जणाव्युं के भाजप एक एवर रेडी पार्टी छे। मुंबईए कह्युं के प्रजा माटे करेल कार्योना कारणे भाजप फरीवार जीत मेळवी प्रदेशमां सरकार बनावशे। तेमणे कह्युं के भाजपनुं संगठन मजबूत छे अने अमे चूंटणी माटे तैयार छे।
कर्नाटक विधानसभा चूंटणी की तारीख जाहिर थी है तरह आम आदमी पार्टी कर्नाटक विधानसभा में मैदान उतरवा जा रही है। अरविंद केजरीवाले हुंकार भरता आम आदमी कर्नाटक की दरेक बैठक पर चूंटणी लड़शे तेवी जाहरात करी है। कर्नाटक में आपे 80 बैठक पर पोताना उम्मीदवार पण जाहिर कर दीधा है। आपे दावो कर्यो छे कि दिल्ली मॉडल ने लई कर्नाटक की जनता वच्चे जईशुं। दिल्ली सीएम केजरीवाले फरी एक वक्त मफत वीजळी मफत की रेवड़ी कहना मुद्दे जवाब आप्यो अने भाजप पर निशान ताक्यो। हम पहली बार कर्नाटक के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें अच्छा हमारा अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। ये जितने कहते थे फ्री की रेवड़ी, लेकिन जब जाते हैं तो वादे तो वही करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन करते नहीं है ये। वहां वादा करके आते हैं, लेकिन जहां इनकी मौजूदा सरकारें हैं वहां क्यों नहीं करते इम्प्लीमेंट। तो मैं देख रहा था अमित शाह जी भी कई जगह जाके कहते हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अगर देनी है तो फिर वहां तो दो ना, जहां भी जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां नहीं देते। चूंटणी पंचे बुधवार कर्नाटक विधानसभा चूंटणी सहित अनेक बैठकों पर पेटा चूंटणी मुद्दे पर जानकारी आपी थी, जो कि वायनाड लोकसभा बैठक पर पेटा चूंटणी योजना बाबते कोई माहिती आपी नहोती। केन्द्रीय चूंटणी पंचना कमिश्नर राजीव कुमार जणाव्युं हतुं कि फेब्रुआरी 2023 सुधीनी तमाम खाली बैठकों मुद्दे जाहेरात करवामां आवी छे। आ खाली बैठकों ने मार्च महीना में नोटिफाई करवामां आवी हती। वायनाड बैठक मुद्दे तेमणे कह्युं के कोर्टना चुकादा सामे अपील करवा माटे 30 दिवसनो समयगाळो आपवामां आव्यो छे, अमने ઉતાવળ નથી। તેમણે કહ્યું કે રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ પીપલ્સ 1951 પ્રમાણે બેઠક ખાલી પડ્યા તારીખથી 6 મહિના સુધીમાં પેટા ચૂંટણી યોજવાની જોગવાઈ છે। સુરત કોર્ટે માનહાનિ કેસમાં 2 વર્ષની સજા ફટકાર્યા બાદ રાહુલ ગાંધીને લોકસભાના સાંસદ સભ્ય પરથી ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યા હતા। કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ સાવરકરની જેમ માફી ન માંગવાના મુદ્દે શિવસેનાએ દર્શાવેલો વિરોધ શાંત પડવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે। તેમાં બુધવારે સંસદ ભવન ખાતે રાહુલ ગાંધી અને શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉત વચ્ચે બેઠક થઈ, જે બાદ તેઓએ કહ્યું કે સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સાથે મુલાકાત થઈ અને અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા થઈ। હવે બધું ઠીક છે, ચિંતાની કોઈ વાત નથી। રાહુલ ગાંધી દ્વારા સાવરકરની આલોચના કરવાને લઈ મહારાષ્ટ્ર વિકાસ આઘાડી ગઠબંધનમાં નારાજગી દેખાઈ હતી, જોકે એનસીપી પ્રમુખ શરદ પવારે હસ્તક્ષેપ કરી કોંગ્રેસ નેતૃત્વ સાથે વાત કરી શિવસેનાની ચિંતાથી કોંગ્રેસને માહિતગાર કરી હતી અને હવે રાહુલ ગાંધીએ સંજય રાઉત સાથે મુલાકાત કરી। જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને પીડીપી પાર્ટીના પ્રમુખ મહેબૂબા મુફ્તીએ બુધવારે ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા। મહેબૂબા મુફ્તીએ કહ્યું કે ભાજપ સરકાર લોકતંત્રના સ્તંભને કમજોર કરી રહી છે। પહેલા ભાજપના નિશાના પર મુસ્લિમ સમુદાય હતું અને હવે દલિત આવશે, ધીરે ધીરે અન્ય સમુદાય તેમના નિશાના પર આવશે। તેમણે કહ્યું કે સારું છે કે કોંગ્રેસને અન્ય વિપક્ષી દળો સમર્થન કરી રહ્યા છે, કારણ કે લોકતંત્રને બચાવવાનો આ એકમાત્ર ઉપાય છે। 15મી માર્ચે નવગ્રહ મંદિરમાં શિવલિંગ પર જળ ચઢાવવા મુદ્દે થયેલ વિવાદ પર મહેબૂબા મુફ્તીએ કહ્યું કે આ વાતનો મુદ્દો બનાવવાની જરૂર નથી। इसमें खाली मुसलमानों के साथ शुरुआत जरूर हो गई, उनके मकान गिराए गए, उनको इबादत करने नहीं दी जा रही, उनको नमाज पढ़ने नहीं जा रही है, मगर आपको ये सोचना चाहिए राहुल गांधी तो मुसलमान नहीं है, मनीष सिसोदिया तो मुसलमान नहीं है, जो जेलों में इस वक्त या जिनके ईडी और एनआईए या दूसरे छापे पड़ते हैं, जिनको जेल भेजने की धमकी देती है बीजेपी इस वक्त, जिनके खिलाफ एजेंसी को इस्तेमाल करते हैं, वो तो उसमें तो बेशतर लोग मुसलमान नहीं है। तो दिस इज गोइंग टू बी बीजेपी राष्ट्र वर्सेस ऑल अदर्स। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाले फरी एक वक्त केंद्र की भाजप सरकार ने आड़े हाथ लीधी। दिल्ली विधानसभा सत्र दरमियान केजरीवाले भाजप सरकार पर प्रहार करता कहूं कि कांग्रेसे देश में 75 वर्ष लूट चलावी, तेना करता भाजपे 7 वर्ष में देश ने वधु लूट्यो छे। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाले कहूं कि जे दिवसे नरेन्द्र मोदी वडाप्रधान पदे नहीं होय त्यारे भारत भ्रष्टाचार मुक्त बनी जशे। लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं सारे के सारे, अब एक ही पार्टी में बीजेपी, तो समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। आज इनकी सरकार है, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमेशा तो नहीं रहेंगे, कल तो जाएंगे ही जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे ही। उस टाइम भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। कैसे? जितने चोर उचक्के हैं सारे एक ही कमरे में हैं, उनको पकड़ने में बड़ी आसानी होगी, ज्यादा जांच नहीं कर।
भाजपे दिल्ली विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव रजू कर पीछे परत खेची लीधो। आ मुद्दे दिल्ली ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले जणाव्युं कि केन्द्र शासित भाजप सरकारे लोकशाही कचड़वा माटेना तमाम प्रयास कर रही है। सदन में आज बनेली घटना महत्वपूर्ण है। भाजपे दिल्ली विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव रजू कर विचार्यू कि अविश्वास प्रस्ताव केवी रीते लावशे, कारण के तेमनी पासे मात्र 8 धारासभ्य है, प्रस्ताव माटे 14 धारासभ्य जोईए। केजरीवाले कहूं कि कई थयुं नहीं एटले अविश्वास प्रस्ताव परत खेची लेवामां आव्यो। તેમણે કહ્યું કે લગભગ 65 મિનિટ સદનમાં ચર્ચા ચાલી, જેમાં 35 મિનિટ વિપક્ષને આપવામાં આવી હતી। સદનમાં સંખ્યા પ્રમાણે તેમણે માત્ર 7 મિનિટ મળવી જોઈએ। કે આમ આદમી પાર્ટી કે એમએલએ કિતને મજબૂત હૈ, ના ડર સે ટૂટતે હૈ ના લાલચ સે ટૂટતે હૈ, તો આજ યે નો કોન્ફિડન્સ મોશન તો નહીં લા પાયે ક્યોંકિ ઇનકે પાસ 14 એમએલએ નહીં થે સાઇન કરને કે લિયે, લેકિન જવાબ મે હમ લોગ કોન્ફિડન્સ મોશન લેકે આયે और वो कॉन्फिडेंस मोशन की भारी बहुमत से जीत हुई है। राहुल गांधी ने लेने बीजेपी और कांग्रेस नेताओं वच्चे आरोप प्रत्यारोप नो सिलसिलो यथावत है। तेवामां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फरी एक वक्त ट्विटर माध्यम थी पीएम मोदी ने घेरवानो प्रयास कर्यो। तेओए ट्वीट करता लख्यू के अदाणी नी शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रूपया कोना छे, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता वगैरह तमाम भ्रष्टाचारी बगाओ अभियान ना सदस्य छे। तमे आ गठबंधन ना संयोजक छो, पोताने भ्रष्टाचार विरोधी गणावी पोतानी छबी चमकावानुं बंद करो। खड़गे केन्द्र सरकार पर प्रहार करता पोताना बीजा ट्वीट में लख्यू के कर्नाटक में तमारी सरकार पर 40% कमीशन नो आरोप केम छे, मेघालय में तमारी सरकारे भ्रष्टाचारी सरकार साथे गठबंधन केम कर्यु तेवो पण सवाल कर्यो छे। वहां तो 40% की गवर्नमेंट है और वो खुद ही उनको मालूम है, एक एक एमएलए के पास 8-8 करोड़ रुपए मिलते हैं, इन्हों एक्शन नहीं लेते हैं। यहाँ पर अपोजिशन का कोई छोटा मोटा भी मिला है उसको इतना बड़ा बनाते हैं और उसको निकालो, इसको निकालो, ईडी को बुलाओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद तरीके की सभ्यता रद्द थया बाद विपक्ष वधु आक्रमक रीते भाजप सरकार पर निशान ताकी रह्यो छे। कांग्रेस पार्टी ना खड़भड़ाट यथावत है, जे रीते सरकार माथी दरोज एक प्रधान मीडिया समक्ष आवी राहुल गांधी पर निशान ताके छे, ते रीते कांग्रेस माथी पण दरोज एक नेता भाजप सरकार पर प्रहार करता जोवा मळे छे। जे अंतर्गत राजस्थान ना सीएम अशोक गहलोते लोकतंत्र ना मुद्दे निशान ताक्यु हतु, जेना पर भाजपे पण वळतो जवाब आप्यो हतो। बीजा करोड़ रुपए जो अडाणी पर आए थे वो किसके पैसे थे, अब आप मुझे बता दीजिए, क्या उसका जवाब भी प्रधानमंत्री ने देना चाहिए? आरोप झूठा है, असत्य है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं, मेरा कोई पैसा नहीं है, वो बोलने में क्या तकलीफ उनको? 75 साल पहले खदेड़ चुके हैं, न जाने कितने बलिदान दिए, और आज उन अंग्रेजों से, उन विदेशियों से वो कहते हैं आइए भारत में लोकतंत्र बचाइए। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी ही चाहिए, वो देश का अपमान नहीं कर सकते, और इस मुद्दे पे उनको आज नहीं तो कल माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो 2024 में देश की जनता उनको समझा देगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनावणी पहला लक्षद्वीपना सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता फरीवार पुनर्स्थापित करवामां आवी छे। लोकसभा सचिवालय द्वारा आ मुद्दे नोटिफिकेशन जारी करवामां आव्यु छे। मोहम्मद फैजले लगभग 2 महीना बाद सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा की सदस्यता परत मेळववा माटे अर्जी करी हती। फैजले हत्याना गुनामां कोर्टे 10 वर्ष की सजा फटकारी हती अने आ पछी तेमने लोकसभा में गैरलायक ठेरवामां आव्या हता। आ बाद केरळ हाईकोर्टे दोषी ठेरवाना निचली कोर्टना आदेश पर स्टे आप्यो हतो, जो कि आ पछी पण लोकसभा सचिवालये तेमने योग्य ठेरवानो निर्णय पाछो खेंच्यो नहीं। आ पछी लोकसभा की सदस्यता परत मेळववा माटे मोहम्मद फैजले सुप्रीम कोर्ट में अरजी करी हती। मनी लॉन्ड्रिंग मामले दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्र शेखरे वधु एक पत्र बॉम्ब फोड़ो है। सुकेश चंद्र शेखरे पोताना पत्र में आम आदमी पार्टी ने कट्टर करप्ट पार्टी गणावी है। 3 पेजना पोताना पत्र में सुकेशे दिल्ली ना सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कट्टर करप्ट पार्टी गणावता तेने संपूर्ण रीते बेनकाब करने दावो कर्यो छे। तेने आरोप लगवायो छे कि सीएम केजरीवाल और तेमना लोको तेना पर दबाण बनावानो प्रयत्न करी रह्या छे, पण गमे तेटलो प्रयत्न करो हूँ पीछेहट नहीं करूँ। सुकेश चंद्रशेखरे आगामी अठवाडिये सत्येन्द्र जैन साथेनी वातचीतने जाहेर करीश तेवी चीमकी उच्चारी छे।
उपरांत आता अठवाडिये हूँ पुरावा साथ खुलासो करीश। शुकेशे पत्र में एवं पण दावो कर्यो छे के तमने अने तमारी गैंग ने सत्ता की बैठक पर हटावी दईश। शुकेशे आक्षेप कर्यो के तेना परिवार सभ्यों ने परेशान करवामां आवी रह्या छे। तेमने मुख्यमंत्री ममता बेनर्जीए आजथी केन्द्र सरकार ने विरुद्ध बे दिवस धरना शुरू कर्या छे। ते केन्द्र पासेथी राज्य ने बाकी निकलती रकम न मळवाने कारणे धरना पर बैठी छे। आ दरमियान ममता बेनर्जीए पीएम मोदी दीदीओ दीदी कटाक्ष जवाब आप्यो हतो। आ संबोधन जवाब में ममताए पीएम मोदी ने नंदलाल ओ नंदलाल कहू हतु। तेमणे संबोधन दरमियान पीएम मोदी नु नाम न लीधु, जो कि तेने दीदी ओ दीदी नो जवाब होवानु ज कहेवाई रह्यु छे। ममता बेनर्जी आरोप लगाव्यो हतो के आ वर्षे पण बजेट मां मनरेगा अने आवास योजना माटे फंड उपलब्ध करावायो नथी। भाजप नेताए कहू के पश्चिम बंगाल नी सरकार लोकोने लूटी रही छे अने फरियाद करी रही छे के केन्द्र सरकार फंड आपती नथी। अन्य भाजप शासित राज्यों में केम आ प्रकार नी कोई समस्या नथी? पब्लिक का पैसा लूटा है और जो पैसा गरीबों के लिए भेजा गया था वो पैसा लूटा गया है। हिसाब दीजिए ना, हिसाब नहीं दे रहे, पैसा मांग रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और भी तो नॉन बीजेपी स्टेट है, किसी का तो प्रॉब्लम नहीं है। आप चोरी करेंगे करोड़ों का पब्लिक का मनी, पब्लिक का पैसा, और फिर आप आम जनता को आप कंफ्यूज करने का कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहे, नहीं देंगे पैसा। वर्ष 2008 जयपुर ब्लास्ट केस में संडोवायेल तमाम आरोपियों ने बुधवारे राजस्थान हाईकोर्टे निर्दोष जाहिर कर्या छे। लगभग 15 वर्ष पहला जयपुर में थयेला आ ब्लास्ट में 71 लोकोना मौत निपजा था, ज्यारे 180 लोग इजाग्रस्त थया था। आरोपीए ट्रायल कोर्ट ना चुकादा सामे हाईकोर्ट में अरजी करी हती। अगौ ट्रायल कोर्टे आ केस में आरोपियों ने मृत्युदंड की सजा फटकारी हती। राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजन बेचे आ चुकादो आप्यो हतो। 13 मे 2008 ना रोज जयपुर में सीरियल ब्लास्ट थया था अने तेमां 71 लोग जीव गुमाव्या हता। भड़काऊ भाषण मुद्दे सुप्रीम कोर्टे बुधवारे महत्वनु अवलोकन कर्यु छे। सुप्रीम कोर्टे कह्यु के ज्यारे राजकारण अने धर्मने अलग अलग राखवामां आवशे अने राजकारणीओ राजकारणमां धर्मनो उपयोग बंद करी देशे त्यारे हेट स्पीचनी समस्या दूर थई जशे। सर्वोच्च अदालते कह्यु के हेट स्पीच असामाजिक तत्वो द्वारा आपवामां आवे छे अने लोकोए पोताना पर संयम राखवो जोईए। सुप्रीम कोर्टनी डिविजन बेचे कह्यु के पूर्व वडाप्रधान जवाहरलाल नेहरू अने अटल बिहारी वाजपेयी एवा भाषणो आपता हता के ग्रामीण विस्तारोमां लोको तेमने सांभळवा माटे एकत्र थता हता। वर्ष 2020 महाराष्ट्र पालघर में त्रण साधुओं लिंचिंग केस ने सुप्रीम कोर्टे सीबीआई ने ट्रांसफर करने की मंजूरी आपी है। आ साथ सुप्रीम कोर्टे महाराष्ट्र सरकार ने कहू के एफिडेविट दाखिल करे, आ मामलो सीबीआई ने मोकलवामां आवी रह्यो छे। केसनी आगामी सुनावणी 14 एप्रिल थशे। गत सुनावणी में कोर्टे कहेवामां आव्युं हतुं के महाराष्ट्र सरकार सीबीआई तपास माटे तैयार छे अने हवे आ मामले वधु कंई बाकी नथी अने आजे सुप्रीम कोर्टे केस सीबीआई ने ट्रांसफर करने की मंजूरी आपी छे। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे सरकारे आ केस में सीबीआई तपासनो विरोध कर्यो हतो। उल्लेखनीय छे के 16 एप्रिल 2020 रोज महाराष्ट्र पालघरना गढ़ चिंचले गाम में 500 वधु लोकोना टोळा द्वारा बे साधु अने तेमना ड्राइवर की हत्या करवामां आवी हती। जे बाद 21 एप्रिल 2020 रोज आ मामलो तपास माटे सीआईडी ने सौंपवामां आव्यो हतो। उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम दरमियान बुधवार अधिकारी ने जणाव्युं हतुं के जो कोई गरीब व्यक्ति साथ दुर्व्यवहार करे तो तेनी सामे कड़क कार्यवाही करवामां आवे। तेमणे कह्युं के गरीबों ने अन्याय न थाय तेनो खास ध्यान राखवुं जोईए। मुख्यमंत्री कह्युं के जेओ गैरकायदेसर रीते जमीन बचावे छे तेमनी सामे कड़क कार्यवाही करवामां आवे। योगी आदित्यनाथ संबोधन में कह्युं के तेमना कार्यकाळ में कोईनी साथे अन्याय नहीं थाय, दरेक फरियादी की समस्या उकेलवा माटे सरकार कटिबद्ध छे। महिला जनने कथित रीते धमकी आपवाना केसमां इस्लामाबाद कोर्टे पाकिस्तानना पूर्व वडाप्रधान अने पीटीआई पार्टीना प्रमुख इमरान खान सामे बिनजामीन पात्र वोरंट जारी कर्यु छे। कोर्टे पोलीसने इमरान खानने 18 मे सुधी कोर्टमां रजू करवानो निर्देश कर्यो छे। अगाउ 24 मार्चना रोज थयेली सुनावणीमां इस्लामाबादनी कोर्टे आरोपी सामे बिनजामीन पात्र वोरंट जारी कर्यु हतु। जो कि पीटीआई तरफे करवामां आवेल अरजी बाद कोर्टे तेने जामीनपात्र वोरंटमां तब्दील करवामां आव्यु हतु। इमरान खाने ऑगस्ट 2020 તેમના સાથી શાહબાઝ ગિલને પોલીસ કસ્ટડીમાં ટોર્ચર આપવામાં આવી રહ્યો હોવાનો આરોપ લગાવી ઇસ્લામાબાદના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ અને મહિલા જજ સામે કેસ દાખલ કરવાની ધમકી આપી હતી।
महाराष्ट्र पुणे थी भाजप सांसद गिरीश बापट नु निधन थयुं छे। तेओने छेल्ला केटलाक दिवस पहेला पुणे नी दीनानाथ मंगेशकर होस्पिटल में दाखल करवामां आव्या हता, ज्यां तेमणे अंतिम श्वास लीधा हता। बापट 2019 पहेला पहली बार पुणे थी सांसद तरीके चूंटाया हता। बापट ने याद करीने वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए शोक व्यक्त कर्यो। तेमणे ट्वीट कर्यु के तेमनी विदाय दुखद छे, तेओ घणा लोको माटे प्रेरणा छे। ओम शांति। तो बीजी तरफ महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएमए पण तेमना निवासस्थाने पहोंची श्रद्धांजलि अर्पण करी हती। देश में कोरोना नवा पॉजिटिव केस की संख्या वधी 2000 ने पार पहुंची गई है। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय द्वारा जारी करवामां आवेल विगतों प्रमाण देश में कोरोना नवा 2151 पॉजिटिव केस नोंधाया। लगभग 5 महीना बाद आटली मोटी संख्या में कोरोना नवा केस सामे आवी रह्या छे। कोरोना कारण 7 लोगों मौत निपजा है। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना ने कारण 3-3 लोगों मौत निपजा है, जयरे कर्नाटक में आ बीमारी कारण 1 व्यक्ति मौत निपजू है। कोरोना महामारी की शुरुआत की अत्यार सुधी देश में कुल 5.30 लाख लोगों कोरोना ने कारण मृत्यु थया है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पण वधी 1.53% पर पहुंची छे। दिल्ली और आसपासना विस्तारों में बुधवार सांजे वरसाद पड़ो है, जेना पगले लोगों ने गर्मी में राहत मिली है। जो कि कारण केटलीक जगह ट्राफिक जामना दृश्य पण सर्जाया हता। हवामान विभाग तरफ थी जणाववामां आव्युं हतुं के 29 मार्च की रात थी उत्तर पश्चिम भारत अनेक विस्तारों में वरसादी झापटा અને કરા પડી શકે છે। એટલું નહીં, બિહાર, ઝારખંડ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ સહિતના રાજ્યોમાં 30 અને 31 માર્ચે વરસાદ પડી શકે છે। દેશના અનેક ભાગોમાં 1 એપ્રિલ સુધી વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। હવામાનમાં પલટાને કારણે દિલ્હી અને આસપાસના મધ્યપ્રદેશના શેરપુરના કુનો નેશનલ પાર્કમાંથી ગુડ ન્યૂઝ આવ્યા છે। નામીબિયાથી લવાયેલ એક માદા ચિત્તા માતા બની છે। માદા ચિત્તા એક સાથે 4 બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે। આ અંગે પર્યાવરણ મંત્રીએ ટ્વીટ કરી જાણકારી આપી છે। ભૂપેન્દ્ર યાદવે ટ્વીટ કર્યું છે કે અમૃતકાળ દરમિયાન આપણા વન્યજીવ સંરક્ષણના ઇતિહાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઘટના છે। તે જણાવતા આનંદ થાય છે કે વડાપ્રધાનના દૂરદર્શી નેતૃત્વમાં 17 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ ભારતમાં લાવવામાં આવેલ ચિત્તામાંથી એક માદા ચિત્તાએ 4 બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે। સમગ્ર દેશમાંથી ચિત્તાઓ લુપ્ત થઈ ગયા હતા, 7 દાયકા પછી તેમને ફરીથી દેશમાં લાવવામાં આવ્યા છે। जहाँ तक तबीयत का सवाल है, काफ़ी अभी बहुत छोटे हैं, चंचल हैं और स्वस्थ हैं। माँ भी उनकी स्वस्थ है, बट अभी उनको नर मादा का तो हमें अभी पता नहीं है और ना हम अभी पता करना चाहते हैं। वो धीरे अपने प्राकृतिक उसमें जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, जैसे जैसे वो माँ उनको बाहर निकालेगी, तब हमको ये पता चल पाएगा कि कितने नर हैं, कितने मादा हैं।